जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग BCG कंपनी के नाम से जानते हैं। देखिए, BCG कंपनी में आपको पता है कि इस साल में एक अच्छा खासा तेजी आया था। जो लोग पहले से फंसे हुए थे, लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया और उसके बाद प्राइस का इस शेयर का प्राइस फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा है। लेकिन अभी भी जो लोग मान लीजिए फंस गए, जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए और अभी भी यहाँ पर आके उनका बहुत लोगों का सेम ही चल रहा होगा प्राइस, से बहुत लोग अभी लॉस में चल रहे होंगे, या कोई नया व्यक्ति भी होगा जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होगा, तो उसे क्या करना चाहिए, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। शुरुआत शुरू से करेंगे। देखिए, एक दिन में यदि मैं बात करूँ इस कंपनी का, गिरावट ही देखने को मिल रही है, यहाँ पर तेजी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया शेयर का प्राइस धीरे धीरे अब नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए, शुरुआत काम से करते हैं, फिर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको आगे इस स्टॉक में क्या करना है। तो सबसे पहले काम के बारे में यदि देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी का जो काम है, ये आपको पता है, कंपनी डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, मार्केटिंग का काम करती है, अलग अलग कंपनियों के लिए, अलग अलग ब्रांड के लिए डिजिटली करती है, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भी मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, उस तरीके से कंपनी मार्केटिंग का काम करती है अलग अलग ब्रांड और अलग अलग एजेंसीज के लिए। काम के हिसाब से देखेंगे तो फंडामेंटल इस जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कंपनी के काम पर, और आने वाले समय में और बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों ऑनलाइन का ही जमाना है, तो मार्केटिंग भी होती है तो ऑनलाइन ही होती है, और मार्केटिंग करने से ही कोई भी चीज़ आगे बढ़ता है, उसमें प्रसिद्धि मिलती है। तो ये कंपनी वो काम करती है जिसमें वो जलवा है कि आने वाले समय में अपने काम को बदलते आगे बढ़ सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल देखेंगे तकरीबन 3500 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है ओवरऑल देखें तो। हालांकि शेयर प्राइस कम होने के बाद थोड़ा सा मार्केट कैप में कमी आया है, वरना ये जो 3400 देख रहे हैं पहले 3500 था, और शेयर प्राइस देखेंगे तो तकरीबन 17 रुपये के करीब चल रहा है। हालांकि बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस कम है, ये थोड़ी बहुत चिंता की बात हो सकती है, लेकिन उतनी भी चिंता की बात नहीं है। आपको ध्यान देना है कंपनी के ROE और ROCE पे, जो देखेंगे अच्छा खासा इसमें डबल डिजिट में कंपनी का ROE, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कंपनी 22% नहीं तो कम से कम 15 से 20% के बीच में रिटर्न निकाल कर दे ही देगी, इतना दमखम तो ब्राइटकॉम ग्रुप रखता ही रखता है। अब सीधे हम लोग चलते हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और एक साल के चार्ट पर बाकी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको पता है कि मई 2023 के बाद इस स्टॉक में इस साल तेजी आना शुरू हुआ था, और यहाँ से इसने एकदम जबरदस्त छलांग लगाया, प्राइस सीधे पहुंच गया 10 रुपये के आसपास से, सीधे पहुंच गया कंपनी का प्राइस 35-40 रुपये के आसपास। हालांकि आप खुद बताइए, जब वी शेप रिकवरी होता है तो पता है कि प्राइस ऊपर जाता है, और ऊपर गया तो यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग होता है, यह भी आपको पता है। तो जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पहले से पता होता है, उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। कुछ लोग महान लोग होंगे जो लोग यहाँ पर भी बाइक कर लिए होंगे, कभी भी चढ़ती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर जो लोग बाइक किए होंगे, प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आने लगा, उनको लॉस हो गया होगा। हालांकि डरने की बात नहीं है, अभी देखिए अभी आपको करना क्या है, इस स्टॉक का प्राइस अभी भी देखेंगे तो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जो कि ये एक सपोर्ट लेवल है 15 रुपये का, यहाँ पे इसका प्राइस अभी मतलब आया नहीं है, आने के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 15 से 20 रुपये का लेवल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके बीच में कंपनी का शेयर प्राइस जब तक है तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता कब है, जब 15 रुपये के नीचे आके ट्रेड करने लगे तब। हालांकि नीचे नहीं आ रहा है, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कंपनी का शेयर प्राइस यहीं पे घूम गया है, यानी कि अब हो सकता है कि 15 रुपये के लेवल पर आकर सपोर्ट लगे, फिर प्राइस ऊपर निकले तो 25 रुपये के लेवल तक तो डायरेक्ट आ ही जाएगा, जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 20 रुपये के लेवल को, यानी कि अभी भी चार्ट में मजबूती बना हुआ है। कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये के लेवल को निकलता है तो सीधे 25 रुपये फिर 30 रुपये तक जाते हुए आप इसके प्राइस को देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ तक के लिए आप जा सकते हैं। हालाँकि यदि एवरेजिंग करना चाहते हैं या बाइक करना चाहते हैं तो अभी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें जब तक ये सपोर्ट लेवल के पास आके किस तरीके बिहेव करता है वो नहीं देखेंगे, तब तक इसको क्लियर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।